हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। टीवी का भौकाल यानी कि टीवी की बड़ी खबरें, जिसमें शामिल है काम्या पंजाबी की मेहंदी सेरेमनी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा से एक बुरी खबर। काम्या पंजाबी इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। सगाई और हल्दी के बाद अब सामने आई है इनकी मेहंदी की तस्वीरें। शलभ ब्राउन के साथ उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ब्लू कलर के लहंगे और हाथों में खूबसूरत मेहंदी लगाए काम्या बहुत ही सुंदर लग रही हैं। साथ में उनके बॉयफ्रेंड मंगेतर शलभ दांग भी शामिल है, जो ब्लैक शेरवानी में काफी हैंडसम लग रहे हैं। इन प्यारी तस्वीरों के बाद हम उनकी शादी की तस्वीरों का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी एक बुरी खबर ये भी है कि मेकअप आर्टिस्ट के रूप में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाले आनंद परमार का निधन हो चुका है। रिपोर्ट की माने तो आनंद पिछले 10 दिनों से अस्वस्थ थे और दुर्भाग्य से 8 फरवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली। ये शो पिछले 11 वर्षों से लगातार चल रहा है, जो भारतीय टेलीविजन पर अब तक का सबसे लंबा कार्यक्रम है। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए यूनिट ने एक दिन की शूटिंग बंद भी की थी। कलर्स का सबसे बड़ा माइथोलॉजिकल शो राम सिया के लवकुश ने आखिरकार अफवाहों को बंद कर दिया है। इस शो के बारे में लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि ये शो ऑफ एयर जाएगा या नहीं। कहानी और शो के नए पन्ने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, मगर टीआरपी के मामले में ये शो उतना कमाल नहीं दिखा पाया। दरअसल ये शो कानूनी मुद्दे के चलते पंजाब में एक महीने के लिए ऑफ एयर भी हो गया था, जिसके बाद इस शो के बंद होने की खबर ने काफी आग पकड़ी थी। बता दें कि राम सिया के लवकुश 11 फरवरी 2020 को अपना आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट करेगा। डांस रियलिटी शो दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय रहता है। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों को मौका देता है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और ऐसे में उनका साथ देते हैं शो के जजेस। इंडियाज बेस्ट डांसर जल्द ही सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर लॉन्च किया जाएगा। इस शो को मलाइका अरोड़ा, टेरेंस लुएंस और गीता कपूर द्वारा जज किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से मलाइका और टेरेंस ने कई रियलिटी शो को जज किया है, लेकिन पहली बार ये दोनों एक ही शो को एक साथ जज करते हुए दिखाई देंगे। नागिन 4 जो हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए जाना जाता है, में आने वाला है एक बेहतरीन ट्विस्ट। जल्द ही देव से शादी करने और पारिक परिवार में शामिल होने के बाद बृंदा उन्हें नष्ट करने का प्रण लेती है। इस बीच माधव बृंदा को नागिन अवतार में देख लेता है। इससे पहले कि वो बृंदा की सच्चाई को सबके सामने लाए, बृंदा उस पर हमला कर देती है। चौंकाने वाली बात ये है कि माधव ने बृंदा की दत्तक माँ स्वरा को भी पकड़ लिया और बृंदा को धमकाया भी। हालांकि बृंदा का जहरीला हमला उसके मकसद को फेल कर देता है। इसके अलावा बृंदा अपने नागिन अवतार में आकर क्रूरता से माधव को मार देती है। माधव की मौत ने पारिक परिवार की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वृशाली और परिवार के लोग ये सोचकर घबरा जाते हैं कि अगर नागिन वापस आई तो कैसे आई। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि शो में आगे क्या होने वाला है। टीवी इंडस्ट्री की बड़ी और छोटी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी रश।